हाय फ्रेंड्स, ये मेरी गाड़ी स्प्लेंडर है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसका जो फ्यूल गेज है, फ्यूल मीटर, ये काम नहीं कर रहा है इसका। जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, इसमें गाड़ी में पेट्रोल भी काफ़ी है, ये फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो आज हम इसका समय पहले वायरिंग चेक करेंगे और वायरिंग के बाद इसका फ्यूल गेज चेक करेंगे। फ्यूल गेज में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसकी वायरिंग चेक करेंगे गाड़ी की। ये फ्यूल गेज का कपलर है, तो हम पहले इसे डायरेक्ट करके देखेंगे, इसे निकाल कर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कर लिया है मैंने इसके कपलर को डायरेक्ट, और अब देखते हैं फ्यूल मीटर में क्या प्रक्रिया होती है। ये आ गया फ्यूल मीटर, ये मैंने किया इसका इग्निशन स्विच ऑन, और ये देखो ये सुई इसकी उड़ गई। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारी फ्यूल गेज की जो वायरिंग है, फ्यूल मीटर की वायरिंग हमारी प्रॉपर काम कर रही है। जो टैंक के अंदर फ्यूल गेज होता है वो काम नहीं कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में फ्यूल गेज रिपेयर करना सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम इसकी सबसे पहले टैंक उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी टैंक उतार लिया है, और ये होता है इसका फ्यूल गेज। इसमें 10 mm के बोल्ट लगे हुए हैं, 10 mm के, और इसका ध्यान रखना है हमें, जो इसकी जो वायरिंग जा रही है, ये हमें टैंक की पिछली साइड की तरफ करनी है, जिधर बोल्ट खिंचता है। ये देखिए, ये इधर की साइड आएगी जिधर बोल्ट खिंचता है। तो हम ये समय पहले इसके 10 mm के बोल्ट खोल लेंगे, 10 mm की गोटी से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके चारों बोल्ट खोल लिए हैं, और इसकी वायरिंग में लॉक लगा होता है, इसे हम लॉक को ध्यानपूर्वक हटाएंगे, और ये हट गया लॉक। तो ये निकाल लिया हमने इसका गेज, ये इसमें फंसा होता है, इसको हमें ध्यान से निकालना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है इसका फ्यूल गेज। तो अब हम इसे गाड़ी में लगा के देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों काम नहीं कर रहा, कैसे काम नहीं कर रहा। आओ चलो चलते हैं गाड़ी के पास, चलो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपलर को लगा दिया है गाड़ी की वायरिंग के साथ, जॉइंट कर दिया है, और ये रहा हमारा फ्यूल गेज। आओ देखते हैं इसमें मीटर में क्या प्रक्रिया हो रही है। ये करा हमने इग्निशन स्विच ऑन, और ये चल गया। ये देखो देखो, ये देखो, यानी इसमें कहाँ दिक्कत हो सकती है, एक से ये देखो, ये मेरे हैंड हिलाने पर चल रहा है। यानी इसकी जो पिन है, कौन सी पिन, ये देखिए, ये अंदर पिन होती है इसके। चलो आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे रिपेयर करना सीखेंगे फ्यूल गेज को, क्योंकि कमी जो है हमारे फ्यूल गेज में, क्योंकि कभी कभी मीटर चल जाता है और कभी कभी बंद हो जाता है। तो मैं इसे खोलने की तैयारी करता हूँ, आओ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसे खोलने की तैयारी करता हूँ। ये देखो, ये है इसमें पेचकस का बोल्ट, तो हम इसे पेचकस के बोल्ट को खोलेंगे। ये हमने करा पेचकस कनेक्ट, और ये खोला हमने पेचकस का बोल्ट, ये पेच हमने रख दिया इधर, ये हमने खोल लिया पेचकस का बोल्ट, और ये देखिए हो गया इससे अलग बिल्कुल, ये वायरिंग इससे हट गया कपलर। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लॉक होता है, इसमें देख रहे हो सर, ये लॉक होता है इसमें, इसे हम लॉक को इस तरह से प्लास से बेच कर हटा देंगे। ये देखिए, ये हमारा लॉक हट गया, ये देखो कितना सा लॉक है, बस इस मामूली से लॉक ने इसे पूरे इसको थाम रखा है। ये देखिए, जरा सा लॉक है, बिल्कुल लॉक ने इसे थाम रखा है बस। ये देखिए, एक बार दिखाता हूँ, सॉरी मेरा हाथ से गिर गया। ये देखिए, ये बिल्कुल जरा सा लॉक है, इसने पूरे इसको रोक रखा है, इसकी
डंडी को। एक सेकंड, अब मैं इसको हटाता हूँ। ये मैंने इसको हटा दिया है, देखिए ये कर ली मैंने, ये भी अलग और ये भी अलग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होती है इसकी पिन। ये पिन इसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ये पिन कभी लग जाती हैं, देखिए ये पिन कभी लग जाती है और कभी हट जाती है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये हमने लिया पेचकस और इन पेचकस से इसको इस तरह से ऊपर उठा देंगे, ऐसे इन्हें थोड़ा ऊपर उठा देंगे कि इनके जो बीच में गैप है, के बीच में जो गैप है ये बढ़ जाएगा फिर। ये देखिए ये हम इन्हें ऐसे हटा देंगे, ये देखिए ये हमने इन्हें हटा दिया। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इनका गैप बढ़ा दिया, तो इन्हें ऊपर कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो इसकी प्लेट है, ये खैर प्लेट भी फूक रही है इसकी, ये देखिए देख रहे हो सर, प्लेट, ये प्लेट जो होती है ये इस पे इस तरह से रगड़ कर चलती है आगे पीछे। तो जब हम इसका गैप बढ़ा देंगे पत्तियों का, सॉरी, ये जब हम इसका गैप बढ़ा देंगे पत्तियों का, तो ये इसमें प्रॉपर काम करेगा फिर। ये देखिए हमने पत्तियों का गैप बढ़ा दिया, और अब मैं इसे करता हूँ सावधानी पूर्वक बंद, जैसे तरह हमने खोला था ऐसे ही बंद हो गए। और हो सके तो इसे थोड़ा यहाँ से भी क्लीन कर लिया करना, थोड़ा इसे यहाँ से इस फेस को क्लीन करके अच्छी तरह, तब इसको फिटिंग करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे बंद करता हूँ और देखता हूँ लगा कर गाड़ी में कि क्या परफॉर्मेंस होती है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है इसको प्रॉपर तरीके से फिट। तो अब हम इसे गाड़ी में कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा कार्य सफल पूर्वक हुआ है या नहीं। ठीक है, चलो इसे कनेक्ट करते हैं गाड़ी में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया इसे गाड़ी में कनेक्ट, और ये रहा हमारा फ्यूल गैस और ये हमारा मीटर। ओके, अब मैं इसका इग्निशन स्विच ऑन करूँगा। वाह, देखो हमारी सुई धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और मैं इसे थोड़ा फ्यूल गैस को थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, ये देखिए, और ये देखिए हमारी सुई दिख रही है सुई आपको, ये देखिए सुई ऊपर उठ रही है और ना ही ये अप डाउन मार रही है, यानी हमारा फ्यूल गैस प्रॉपर काम कर रहा है अब। यानी जो इसकी पिन थी वे पिन हल्की दब गई थी चलते रहने की वजह से, तो हमने उन पिनों को ऊपर उठा दिया, वे दोबारा से अपनी प्लेट पर कनेक्ट हो गई और ये फ्यूल गैस हमारा दोबारा से न्यू हो गया, और ये जल्दी दिक्कत नहीं आएगी अब इससे। ये देखिए ये हमारा फ्यूल गैस पूरा कनेक्टेड है, ये रहा, ये गाड़ी में कनेक्ट है। ये मैंने इसकी रोड को थोड़ा ऊपर उठा रखा है जिससे कि मीटर काम करे, ये देखिए मीटर अपना काम कर रहा है पूरा, ना ही अप डाउन मार रहा है और ना ही भाग रहा है। ओके सर, तो आज हमने फ्यूल गेज रिपेयर करना सीखा, तो अब मैं इसे फिट करता हूँ प्रॉपर, पूरा फिट करता हूँ टैंक में। आइए मैं इसे फिट करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ मैं, फिट करते समय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ये ओरिंग लगा होता है, अगर ये ओरिंग, ये जो ओरिंग देख रहे हो आप, ये ओरिंग अगर प्रॉपर अपने फेस पर नहीं बैठेगा तो यहाँ से हमारा पेट्रोल लीक हो सकता है, क्योंकि ये टैंक के बिल्कुल नीचे होता है होल जिसमें फिट होता है। अगर ये रिंग प्रॉपरली नहीं बैठेगा तो हमारा ऑयल लीक होगा, जिससे कस्टमर के लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि गाड़ी में आग लगने का भी डर रहेगा, और पेट्रोल की स्मेल और गाड़ी का एवरेज सब चीज़ इससे ही कनेक्टेड है। तो हमें इसे प्रॉपरली ध्यान करके लगाना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक। देखो मैं इसे कैसे कनेक्ट करता हूँ, आइए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ओके, ये देखिए ये ओरिंग लगा हुआ है, ओरिंग को हमें बहुत ध्यान से लगाना है,
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको प्रॉपरली कर दिया है टाइट। देखो जैसा मैंने बताया था, ये वायर टंकी की पिछली साइड को रहनी है क्योंकि ये घूम भी सकता है, इससे हमारा फ्यूल गैस काम नहीं करेगा। और ये लॉक, वायरिंग का लॉक होता है, इसे लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि वायर नीचे गिर जाती है। अगर यहाँ लाइन लगाएंगे तो ये देखो ये वायर टूटने का डर रहता है हमारा, इसलिए इसे लगा देना चाहिए ध्यान से। और ध्यान भी रखना है कि इसके नीचे वायर ना बिछे क्योंकि वायर बिछ जाएगी तो वायर कट सकती है। ये देखो इसके अंदर फ्री प्ले होनी ज़रूरी है। चलो अब हम इस टैंक को लगाते हैं गाड़ी पर, टैंक को लगाएंगे हम गाड़ी पर। सो गाइस देखिए, हमने इसे कपलर को कनेक्ट कर दिया है वायरिंग के कपलर में। तो अब हम देखते हैं हमने कैसा काम किया है, क्या हमें हमारे काम के पैसे मिलेंगे या नहीं। देखते हैं। तो मैं इसका इग्निशन स्विच ऑन करने जा रहा हूँ और देखते हैं फ्यूल मीटर की क्या परफॉर्मेंस होती है। 1, 2, 3। वाओ, ये देखो फ्यूल मीटर हमारा काम कर रहा है, देख रहे हो सुई उठ गई। तो फ्रेंड्स ये देखो, हमने इसका फ्यूल गेज रिपेयर कर लिया खुद ही। ये तो आप खुद भी कर सकते हो या किसी मैकेनिक को दिखा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिक क्या बोलते हैं कि इसका फ्यूल गेज ख़राब हो गया, इसका गेज चेंज कराना पड़ेगा। तो इसमें ख़राब होने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं, ख़राब भी होता है तो कोई पिन विन टूट जाती है, कोई कुछ दिक्कत हो जाती है तब ख़राब होता है। तो अब हम इसे बता सकते हैं कि हमारे फ्यूल पम्प फ्यूल गेज की पिन ख़राब हो गई है, वो चेक कर लें। पिन चेक करते हैं, हमारा मीटर प्रॉपर काम करेगा। देखिए टैंक फुल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर दिया इसका इग्निशन स्विच ऑफ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी आपकी कंप्लेन हो, कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल बताना, हम उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।